आयुर्वेद में और आयुर्वेद की संपूर्ण परंपरा में शास्त्र की प्रस्थापना से लेकर ग्रंथ निर्माण तक की सभी प्रक्रिया में अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो वो है गुरु का संचारणी प्रक्रिया। और यही गुरु की संचारणी प्रक्रिया से आज हमें आयुर्वेद का ज्ञान विस्तृत रूप से विलक्षण ज्ञान सरलता से प्राप्त हुआ। माइक म्यूट कर दीजिए। अग्निवेश जी जब अपना तंत्र निर्माण कर रहे थे तो एक घटना मुझे याद आ रही है, वो घटना आज आपको बता रहा हूं। जब आत्रे और अग्निवेश जी दोनों चल के जा रहे थे, विहार कर रहे थे, और अग्निवेश आत्रे जी को कहते हैं परावरज्ञ, जिनको परलोक का भी ज्ञान है अवरलोक का भी ज्ञान है, ऐसे दोनों लोक का ज्ञान धराने वाले परावरज्ञ आत्रेय को बोलते हैं गुरुओं में श्रेष्ठ। ए परावरज्ञ आत्रेय, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उन्होंने प्रत्येक प्रक्रिया को समझाया उस समय पे उनको ऐसे प्रश्न नहीं आए, पर जब वो ज्ञान उन्होंने आत्रेय ने सभी शिष्यों के ऊपर पात कर दिया, वो ज्ञान उनके अंदर ट्रांसफर कर दिया, फिर उसके बाद गुरु अपनी शक्ति से ऐसे प्रश्न जागृत करवाते हैं, तो अग्निवेश को ऐसा प्रश्न आते हैं कि हे गुरुवर, हे परावरज्ञ, कितने सिर के अंदर रोग होते हैं और ये सिर के रोग क्या ये व्याधि है, ये दोष है कि ये दोष के लक्षण है कि व्याधि के लक्षण है, और इसकी संप्राप्ति कहाँ से प्रारंभ होती है। इसकी संप्राप्ति कहाँ से प्रारंभ होती है, ये कौन से तंत्र पे कार्य करता है, ये कौन से स्रोत पे कार्य करता है, और किस प्रकार से ये व्याधि निर्माण होती है, ये आगंतुज है ये बाह्यज है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बताइए। तो उसमें चार वाक्य का प्रयोग करते हैं, उसमें प्रथम वाक्य का प्रयोग करते हैं, मैं आपको बताता हूं। चरक सूत्र स्थान अध्याय 17 श्लोक नंबर 3, क्रियंतः शिरसी प्रोक्ता रोगा रदी च देहिनाम कती च अपि अनिलादीनाम रोगा मान विकल्पजा। पहला प्रश्न, क्षयाः कति सम्याख्यातः पीड़िका कति च अनग, उनको अनग बोलते हैं आत्रे को, गति ही कति विदात च उक्ता दोषाणाम दोष सुदन। जैसे भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहा गया, इसी प्रकार से यहां पे भगवान आत्रे को दोष शुद्धन कहा गया, जिन्होंने सभी दोष का हर लिया है। हे ऐसे दोष शुद्धन, मुझे इतने सारे प्रश्न आ रहे हैं, मुझे बताइए। और अग्निवेश
अग्नि के समान होने के बावजूद भी उनको बताते हुतावेशस्य वचनम श्रुत्वा गुरुर अब्रवीतः। हुतावेश मतलब अग्निवेश के वचनों को सुन के गुरुर अब्रवीत, वो गुरु बोलते हैं, अग्निवेश बोलते हैं, पृष्टवानसी यत् सौम्य, हे अग्निवेश सौम्य हो जाओ। आज ये विषय पे चर्चा चली थी, अग्निवेश इतने, और प्रत्येक के जीवन में, प्रत्येक आयुर्वेद के अध्यापक, जो आयुर्वेद के नहीं है वो भी अपने जीवन में ऐसे अनेकों प्रश्न रहते हैं उनके अंदर, और वो ये सभी प्रश्नों को जानने की इच्छा अपने गुरु से रखता है। इसलिए यहाँ पे वाक्य का प्रयोग हुआ है गुरुर अब्रवीतः, मतलब गुरु बोले, और गुरु क्या बोले, सौम्य हो जाओ, अग्निवेश सौम्य। और जैसे ही तुम सौम्य हो जाओगे, जैसे ही तन मन हो जाओगे, पूरा शास्त्र अंदर से निकलने वाला है। समर्पण कर दो, मैं तुम्हें ये शास्त्र सविस्तार से बता रहा हूं। यही चेतना उस काल में अग्निवेश के अंदर प्रस्थापित हुई, और वही चेतना कुछ समय बाद अष्टांग हृदयकार को, वाग्भट जी को, और वाग्भट जी के अंदर भी चेतना प्रस्थापित होती, उनको भी इतने प्रश्न है और उनके भी जवाब उन्होंने दिए हैं। किस रूप में दिए हैं, गुरु रूप में दिए, जीवित गुरु के रूप में दिए हैं, कहीं दिव्य गुरु के रूप में दिए हैं। इसलिए ये शास्त्र में गुरु का इतना महत्व है। सभी को ये प्रथम सूत्र गुरु पूर्णिमा के उपदेश अनुलक्ष्य में था, इसलिए सभी लोग सौम्य हो जाइए। समग्र शास्त्र सौम्य होने से समझ में आने लगेगा। आचरण भाव शुद्ध कर दीजिए, बस नैतिक हो जाइए, सृष्टि कल्याण की भावना रखिए, सभी शास्त्र समझ में आएगा। गुरु पूर्णिमा की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अब हमारे मूल अध्याय में हम चलेंगे, तरक सूत्र स्थान अध्याय एक और श्लोक नंबर 50। पढ़िए ये सूत्र, फिर इसके ऊपर व्याख्यान करते हैं। हेलो, पढ़िए। चरक सूत्रस्थान अध्याय का श्लोक नंबर 50, कोई भी पढ़ सकता है। नमस्ते सर। समवायो अपृथक भावो भूमि आदि नाम गुणेर्मता सनित्यो यत्र हि द्रव्यम न तत्र अनियतो गुण। बहुत बढ़िया। अब मैं इसकी संधि कर रहा हूं, एक बार फिर से आप देखिए। समवायः अपृथक भावः भूम्यादि नाम गुणे ही मतः सनित्यः यत्र ही द्रव्यम न तत्र अनियतो गुणः। अब इसमें पहले सर्वप्रथम वर्ड है भूम्यादि नाम। भूम्यादि नाम मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ऐसे नीचे से लिया है पूरा क्रम, पंच महाभूत।
गुणे ही मतः, बहुवचन है यहाँ पे तृतीया, गुणे ही मतः, इनके जो गुण है, ये जो पंच महाभूतों के जो गुण है, ये सभी महाभूतों के गुण सभी महाभूत के अंदर समवाय रूप से रहते हैं। और समवाय रूप मतलब अपृथक भाव, उसका अर्थ होता है अपृथक भाव, जो कभी अलग ना हो सके। उनकी टेंडेंसी को कम किया जा सकता है, पर वो कभी उनसे अलग नहीं होते। यत्र द्रव्यम नियतम नित्यम, हमेशा प्रधान रूप से यथा आकाशम न तत्र नित्य आकाशो अनियतो विनाशी गुण, जिस प्रकार से पृथ्वी के अंदर गुरु खर कठिन सांद्र ये सभी गुण वो पृथ्वी महाभूत के परमाणु के अंदर ये गुण विशेष रूप से समवाय संबंध में रहते हैं और ये नित्य है और ये समग्र द्रव्य के अंदर नित्य है, अणु के अंदर ये नित्य है। और यही समवाय संबंध है पंच महाभूतों का अपने गुणों के साथ। और उसी उसी सूत्र की डेफिनेशन को आगे वो विस्तृत करते हैं, क्या करते हैं देखिए। ये मोलेक्युलर साइंस बोलते हैं इसको, संपूर्ण मोलेक्युलर साइंस है ये, जो परमाणु लेवल पे किस प्रकार से सभी महाभूत के अंदर सभी प्रकार के गुरु आदि गुण परा आदि गुण किस प्रकार से उसके अंदर व्याप्त रहते हैं, व्याप्य रहते हैं समवाय संबंध से, उसका यहाँ पे एक प्रारूप आचार्यों ने प्रकट किया है, क्योंकि इसका चिकित्सा में महत्वपूर्ण भाग है। यत्र आश्रिताः कर्म गुणाः, यहां जहां पे कर्म और गुण समय ही कारण से जुड़े होते हैं, जहां पे यत् तद्द्रव्य वो द्रव्य है, सद्रव्यम उच्यते वो द्रव्य है, उसकी जो डेफिनेशन है वो द्रव्य बताई गई है प्रत्येक परमाणु की। हम यहाँ पे परमाणु शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अणु का एक सूक्ष्मतर भाग है और उस सूक्ष्मतर भाग में सभी महाभूत होते हैं, पर वो अलग अलग रूप से होते हैं सभी महाभूत। किसी में कोई महाभूत की प्रधानता ज्यादा रहती है, किसी में कोई महाभूत की प्रधानता कम होती है, और जो महाभूत की प्रधानता जिसमें ज्यादा होती है वो महाभूत प्रधान वो द्रव्य होता है। कोई कोई द्रव्य कफ प्रधान होता है तो उसमें पृथ्वी और जल महाभूत ज्यादा प्रमाण में रहते हैं, कोई द्रव्य के अंदर अग्नि और जल महाभूत ज्यादा प्रमाण में रहते हैं, पित्त पित्त प्रधान होता है। ऐसे प्रत्येक द्रव्य के अंदर ये महाभूत समवाय संबंध से रहते हैं, पर अब यहाँ पे ये द्रव्य क्या है, पर उस परमाणु के अंदर पृथ्वी महाभूत के जो गुण हैं वो भी सभी गुण समवाय संबंध से रहेंगे, पर कोई गुण विशेष रूप से ज्यादा रहेगा, कोई परमाणु के अंदर गुरु गुण विशेष रूप से समवाय संबंध से ज्यादा है, कोई द्रव्य के अंदर सांद्र गुण विशेष रूप से ज्यादा है, किसी में खर ज्यादा है, किसी में कठिन ज्यादा है, ये महाभूत की संरचना के कारण पूरे शरीर का अवयवों का निर्माण होता है। जैसे यकृत है तो उसके परमाणु संगठन में अलग अलग प्रकार के
महाभूतों के अलग अलग प्रकार के गुणों विशेष रूप से ज्यादा होते हैं और उससे उसकी उसी प्रकार की बीज से आकृति का निर्माण होता है। उसी प्रकार से हृदय में जल महाभूत के अग्नि महाभूत के विशेष विशेष प्रकार के जो गुण हैं, उनका संगठन विशेष विशेष रूप से प्रभाव से ज्यादा होता है। इसी के आधार पर औषधियों को प्रभाव से प्रयोग किया जा सकता है। इसी के आधार पर औषधियों को जो पंचमहाभौतिक स्ट्रक्चर जिस प्रकार से शरीर की आकृति का है, उसी प्रकार से वो द्रव्य के उस गुण को समवाय रूप से जो द्रव्य ज्यादा है उसके आधार पर उसको प्रयोग किया जा सकता है। और जो गुण है उसी के आधार पर उसके कर्म है, और जो कर्म है उसी के आधार पर उसके गुण है। ये दोनों कर्म और गुण, ये दोनों प्रत्येक द्रव्य के अंदर इनबिल्ट कैपेसिटी के साथ एंटर होते हैं। जब से सृष्टि की निर्मिति होती है तब से अभी तक ये भाव पदार्थ है, अभाव नहीं है। कर्मश्च गुणाश्च कर्म गुणाः, और यही समवाय कारण है। दर्शन का विषय समझना क्यों महत्वपूर्ण है ये अब समझ में आएगा, क्योंकि चिकित्सा में ये विषय अति आवश्यक है। जैसे कोई एक द्रव्य ले लो, आप गेहूं ले लो, आपको उस गेहूं के प्रथम आपको उस गेहूं का पंचमहाभौतिक स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि इसमें कौन कौन से महाभूत ज्यादा प्रमाण में है, पृथ्वी ज्यादा है, जल ज्यादा है। पृथ्वी के कौन से गुण उसमें ज्यादा है, जो 26वें अध्याय में पृथ्वी के गुण बताए हैं और उसके कर्म बताए हैं, चरक सूत्रस्थान अध्याय 26 श्लोक नंबर 13। ये सूत्र प्रत्येक आयुर्वेद वेद्य ने कंठस्थ होना है। इति तत्र द्रव्याणि गुरु खर कठिन मंद स्थिर विशद सांद्र स्थूल गंध गुण बहुलानि पार्थिवानि, ये इसके गुण हैं। और जस्ट उसके पीछे तानी उपचय संगात गौरव स्थैर्य, ये उसके कर्म है। ये दोनों प्रत्येक द्रव्य के अंदर समवाय रूप से प्रस्तापित होते हैं, पर कोई गुण ये गुरु आदि खर कठिन मंद स्थिर कुछ गुण है, ये सभी होते हैं, पर इसमें कोई गुण विशेष रूप से ज्यादा होता है, कोई गुण विशेष रूप से कम होता है, ऐसी प्राकृतिक रचना है। और उसी के आधार पर उपचय संगात आदि स्थैर्य आदि भावों को कर्म को वो प्रकट करते हैं। प्रत्येक द्रव्य की ये अपेक्षा है, और इसीलिए ग्रंथकारों ने सभी द्रव्यों का इसी प्रकार से अध्ययन की करके और फिर उसके बाद औषधि शास्त्र का निर्माण किया, द्रव्यों का निर्माण किया, आहार का निर्माण किया। इसी प्रकार से जल महाभूत के, इसी प्रकार से अग्नि महाभूत के, इसी प्रकार से वायु महाभूत के और इसी प्रकार से आकाश महाभूत के सभी द्रव्य यत्र आश्रित कारणम समवायी तद्रव्यम, वो द्रव्य है।
और जिसके द्वारा, जिस वीर्य के द्वारा, अचिंत्य वीर्य के द्वारा, अक्षुण वीर्य के द्वारा द्रव्य कार्य करता है, वो गुण के द्वारा जो कार्य करता है, संवायितु निचेष्टः कारणम गुणः, वो गुण है। वो गुण अपना कर्म दिखाता है। जिस गुण की वृद्धि करोगे वो गुण बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे वो गुण बढ़ेगा उसी प्रकार से वो अपना कर्म दिखा देगा, गौरवता दिखाएगा, स्थैर्य दिखाएगा। स्थिर गुण का वृद्धि हुई तो स्थैर्य दिखाएगा, गौरव गुण की वृद्धि हुई तो गौरवता दिखाएगा, उपचय दिखाएगा, संगात दिखाएगा। जैसे किसी ने ज्यादा पानी पिया तो उसके शरीर में क्लेद वृद्धि होना है ही, वो द्रव गुण बढ़ेगा, पिच्छिल गुण बढ़ेगा और उसके कारण शरीर में क्लेद निर्माण होगा। अब यहाँ पे चिकित्सा में क्लेद शोषक चिकित्सा करना है उसके विपरीत, क्योंकि ये उसके निचेष्ट कारण है, उसके कारण उनको आप समझ पाते हैं। अब अगला सूत्र, ये थोड़ा इसकी व्याख्या अलग है, ये द्रव्य गुण का विषय है, थोड़ा सा क्लिष्ट है, समझ में आए जितना मैं बता रहा हूँ उतना समझिए, अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग मुझे फोन लगा के फिर से मुझे पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा, मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं है। पर ये बिना दर्शन को पढ़े मुझे ऐसा लगता है समझाना थोड़ा सा कठिन है, फिर भी मुझे जितना समझ में समझाने की कोशिश कर सकता हूँ उतना समझा रहा हूँ। चरक सूत्र स्थान अध्याय 1 बाव, पढ़िए सूत्र, पढ़िए आप ही पढ़िए। शिवम जी, शिवम जी सर, संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म न अन्यद् उपेक्षिते, न अन्याद् अपेक्षिते। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम, ये भी एक विशिष्ट प्रकार की शक्ति है जो द्रव्य के अंदर आश्रित है, और ये जो शक्ति है ये रज है, वायु का। जैसे मानसिक दोषों में सत्व रज और तम है, ऐसे ये रज है जो प्रत्येक द्रव्य के अंदर इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर सेल्यूलर सिस्टम के अंदर परमाणु के अंदर घूमता है, आज का साइंस जैसे बताता है, और घूमने के बाद वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन घूमने के बाद वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और न्यूट्रॉन में प्रवाहित हो जाते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, प्रत्येक परमाणु के अंदर संयोग हो रहा है, फिर विलयन होकर उसका विभाग हो रहा है, संयोग हो रहा है, विभाग हो रहा है, सृष्टि के प्रत्येक तत्व के अंदर, ग्रहों के अंदर, नक्षत्र के अंदर, सूर्य के अंदर, और इनके अंदर जो भी भाव पदार्थ है वो सभी के अंदर संयोग हो रहा है, विभाग हो रहा है। वृक्ष बन रहा है, उसके अंदर बीज के अंदर, वृक्ष का जो बीज है, मूल बीज है, वो बीज के अंदर संयोग विभाग की प्रक्रिया से वृक्ष की निर्मिति होती है। ये मूल विज्ञान है जिनके ऊपर ऋषि मुनियों ने हजारों साल तक रिसर्च करने के बाद इसको प्रस्तापित किया है, ऐसे ही सूत्र नहीं लिखा है इन्होंने।
और ऐसा ये बता रहे हैं कि यहाँ पे ना कोई व्यक्ति विशेष का वर्णन हो रहा है, ना कोई वृक्ष का वर्णन हो रहा है, ना परमाणु का वर्णन हो रहा है, यहाँ पे वर्णन हो रहा है द्रव्य मतलब सृष्टि के अंदर सभी पंचमहाभौतिक जो भी स्ट्रक्चर सूक्ष्मते सूक्ष्मतर है उन सभी के अंदर संयोग होता है, विभाग होता है, कारण द्रव्य मात्र कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म नान्यद अपेक्षते, इसके अलावा और कोई कर्म की अपेक्षा नहीं है, और ये रज के द्वारा प्रस्तावित जो वायु प्रधान रज है, रज गुण बहुलानी वायु इसका वर्णन सुश्रुत करते हैं। सुश्रुत निदान स्थान अध्याय एक श्लोक नंबर 5 स्क्रीन से दिखाई दे निदान स्थान वात वैधि बराबर से श्लोक नंबर 3 हजी नीचे हजी बीच 5 पढ़ी ये सूत्र पढ़ी तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा ब्रूहि विषजाम्बरः स्वयंभूरेश भगवान वायुर इत्यभि शब्दता स्वातंत्र्यान नित्य भावात् तथा सर्वगत्वात् तथैव च सर्वेषामेव सर्व आत्मा सर्वलोकमन लोक लोकनम इस्प्रता स्थित उत्पत्ति विनाशेषु भूतानाम कारणम इस कारण क्या बताया। इन सभी वचनों को जब गोपुरक्षित बोले, ओपदेन बोले, वेत्रण बोले, करवीर्य बोले, सुश्रुत बोले, सभी बोले, तब उनके वचनों को धन्वंतरी ने सुना। और धन्वंतरी को कैसे प्रश्न पूछे, कैसे हो रहा है ये सब, इस सृष्टि में नव निर्माण कैसे हो रहा है, पुरानी चीजें हैं वो कैसे जा रही है, नई चीजें कैसे आ रही है, और ये सृष्टि किस प्रकार से चल रही है, शरीर के प्रत्येक भाव बाल अवस्था से लेके वृद्धा अवस्था तक किस प्रकार से निर्माण हो रहे हैं, तब उनके वचनों को सुन के विषजाम्बरः बोलते हैं स्वयंभूरेश भगवान, वो स्वयंभूर है। स्वयंभू किसको बोलते हैं, लिंग स्वयंभूर भगवान वायुरादिति अभिशब्दित, वो स्वतंत्र है, नित्य भावात है और सर्वगतत्व तथेव च सर्वेषामेव सर्वात्मा सर्वलोक नमस्कृत स्थिति, सृष्टि की स्थिति स्तुति का पालन किसने किया, उसकी स्थिति को स्थापित किसने किया, तो के वायु, उस समय था ये वायु, उसकी उत्पत्ति हुई मतलब वृद्धि होती गई, स्थिति की स्थापित की परमाणुओं को और उसी परमाणुओं के छोटे छोटे संगठनों को मिला के उसकी उत्पत्ति की, अचिंत्य है। और उसका विनाश हुआ भूतानाम एष कारणम, सभी भूतों के ये सब प्रकार की प्रक्रियाओं का जो कारण है वो कौन है, वायु है। अव्यक्तो व्यक्त कर्माश्च, कुछ कर्म उसके व्यक्त हैं जो दिखते हैं, कुछ कर्म ऐसे हैं जो अव्यक्त हैं जिसे कोई नहीं जान सकता है। इसलिए देखो नीचे से दूसरी लाइन में क्या लिखा, अचिंत्य वीर्यो दोषाणां,
जिनके ऊपर चिंतन नहीं कर सकते हैं। तिर्यगे द्रिगुणे रजो बहुल एवच, वो जो रज है ये परमाणु के अंदर जो ये रग है ये अचिंत्य है, और ये रज संयोग करता है वियोग करता है द्रव्य के अंदर आश्रित होके, यहाँ द्रव्य की संकल्पना चल रही है, पंचमाभूत की संकल्पना चल रही है, इसलिए है ऋषियों में श्रेष्ठ हो सब बैठे हैं ना आप, उनको मैं इसलिए बता रहा हूं। ये संकल्पना है द्रव्य के अंदर आश्रित, ये वायु संयोग करता है विभाग करता है, पाछो मूल श्लोक ऊपर आ जाए। टाइम छे ठीक छे बोल सकते हैं ना अभी, टाइम है ना सर, बोलिए आप। हाँ जी हाँ जी आप बोलिए। ये पूरा अधिकरण जो था द्रव्य का था, गुरुवादि गुणों का था, दर्शन का था, और इस संकल्पना से समग्र शरीर में इसी प्रकार से प्रक्रिया चल रही है। जो सृष्टि का मूल उत्पत्ति जिस प्रकार से हुई उसी प्रकार से शरीर की मूल उत्पत्ति हुई, उसमें कोई भेद नहीं है। इसीलिए अब ये बताने के बाद, बीच में आयुर्वेद अवतरण में ये बताने के बाद आचार्य अब आगे की संकल्पना क्या बताती है देखिए, ये बहुत आवश्यक है। श्लोक नंबर 53 इति उक्त कारणम पठ्यागर, ये सब कारण है उनके, और अब आगे का ये सूत्र पढ़िए, इसके ऊपर व्याख्यान करते हैं। बहुत कार्यम धातु साम्यम ही उच्यते, धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्रस्य प्रयोजन, तंत्रस्य अस्य प्रयोजन, ये तंत्र का प्रयोजन है, क्या है? कार्य धातु साम्य करना। अब ये सूत्र को समझाना है और फिर उसके बाद मैं व्याख्यान स्टॉप कर दूंगा, इसलिए ये सूत्र को ध्यान से समझिए बस आज। सभी ऋषि एकत्रित हुए, व्याधि उत्पन्न हुई, अब वापस हमारा आयुर्वेद का अधिकरण वापस यहां से स्टार्ट होता है, बीच में दर्शन का विषय इन्होंने लिया, क्यों लिया वो मैंने आपको समझाया। अब सभी ऋषि एकत्रित हुए, व्याधियां उत्पन्न हुई, रोग उत्पन्न हुए, और ऋषियों ने ध्यान चक्षु के देखा कि इंद्र के पास हमें जाना चाहिए, फिर सभी लोगों ने निर्णय किया कि इंद्र के पास जाएगा कौन, तो भारद्वाज जी इंद्र के पास गए, वहां से हेतुलिंग औषध ज्ञान लेके आए, फिर उन्होंने वो ज्ञान भगवान आत्रे को दिया, और उन्होंने समय आदि संबंधों के द्वारा ज्ञान करके, ये छह ज्ञानों का गुणों का ज्ञान करके तंत्रोक्त विधि का स्थापित किया। अब ये तंत्र की विधि क्या है? अब ये तंत्र की विधि ये नहीं है कि व्याधि ठीक करना है। बताइए ये कितनी बड़ी बात बता दें, व्याधि ठीक करना इट्स ओनली ऑब्जेक्ट, देयर इज नॉट एम। रोगी आया, पेट में दर्द हो रहा है, दर्द सही हो गया, रोगी चला गया, इट्स नॉट अ एम, इट इज ओनली ऑब्जेक्ट। तो फिर एम क्या है? तो बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ च उक्ता तंत्रस्य अस्य प्रयोजनम धातु साम्य क्रिया, धातु साम्यम इहोच्यते, कार्य धातु साम्यम, क
कार्य धातु साम्य करना है, यही तंत्र का प्रयोजन है और कोई प्रयोजन नहीं है। तो धातु साम्य करना और व्याधि सही करना, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है? बोले नहीं, बहुत डिफरेंस है। चरक विमान स्थान अध्याय 8 श्लोक नंबर 89। ये श्लोक प्रत्येक वेद्य ने, फिर से बता रहा हूं, अपने ओपीडी में, अपने मानस पटल में, अपने हृदय में, स्मरण में इसको रख लेना है। क्या है देखिए, पढ़िए। कार्यम धातु साम्यम तस्य लक्षणम विकार उपशमः। हाँ, ये इसका एक लक्षण है, धातु साम्य करने का एक लक्षण है विकार उपशमः। बुखार आ रहा है, पेरासिटामोल दे दी, ज्वर सही हो गया, नहीं, ये धातु साम्य नहीं है, ये इसका एक लक्षण है। तस्य से लक्षणम विकार उपशमः, इसलिए क्या सुश्रुत आचार्य ने क्या बताया, समदोष शम अग्नि सम धातु मल क्रिया, सबको सम करना है। किसको? दोष को सम करना है, अग्नि को सम करना है, धातुओं को सम करना है, मल को सम करना है। प्रसन्नात्म इंद्रियम मनः, जो निर्मल प्रसन्न, उसकी उत्पत्ति निर्मल और विशिष्ट प्रकार की जो निर्मलता है, उसको प्राप्त करने वाली आत्मा, इंद्रिय और मन की वो अवस्था है, इट इज धातु साम्यम। और उसकी परीक्षा क्या है, पढ़िए। परीक्षा तु अस्य क्या है, रोग उत्पन्न, रोग उत्पन्न स्वरवर्ण योग, रोग का उपशम, रुजा जो हो रही है, रुक हो रहा है, जो पीड़ा हो रही है उसका समन होना, ये उसकी परीक्षा है। ठीक है, रुक उपशमन हुआ, आपको समझ में आया, मेरी चिकित्सा का डायरेक्शन सही है। अब चिकित्सा छोड़ना नहीं, अब आगे दिखेगा आपको, स्वर अच्छा हो रहा है, वर्ण अच्छा हो रहा है, इन दोनों का योग बढ़ रहा है। ठीक है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। फिर आगे शरीर उपचय, शरीर का उपचय हो रहा है, शरीर बढ़ नहीं रहा है, घट नहीं, ऐसा नहीं, शरीर का उपचय हो रहा है। उपचय कहां पे, सप्तसार पुरुष बताऊंगा, दसवीं परीक्षा में, इसमें विमान में ही 103 नंबर का श्लोक है। सप्तसार पुरुषा रस रस सार रक्त सार मांस सार मेद सार अस्थि सार मज्जा सार शुक्र सार सत्व सार पुरुषा, शरीर उपचया, ये भी प्राप्त होता है इसमें, सभी प्रकार के सार, ये भी ऑब्जेक्ट है। आगे बल वृद्धि, बल वृद्धि, बल की हानि नहीं होना, उसकी वृद्धि होना, प्रतिक्षण बल की वृद्धि होना। आगे पढ़िए, पूरा पढ़ लीजिए। अव्यवहार अभिलाषा रुचिर आहार काले अव्यवहृतश्च आहारस्य काले सम्यक जीर्णम निद्रा लाभो यथा कालम वैकारिणाम च स्वप्नानाम दर्शनम सुखेन च प्रतिबोधनम वात मूत्र पुरी श्रेष्ठता मुक्ति सर्वकार्यैर मनो बुद्धि इंद्रियाणाम च व्यापत्तिर इति। आहार की रुचि होना, ये अग्नि के लक्षण बता रहे। देखिए, सम अग्नि के लक्षण क्या है, अव्यवहारस अभिलाषा, समय हुआ ऐसी खुल के भूख लग रही है कि अब मुझे खाना दे दो, मुझे से मैं रह नहीं सकता हूं,
और आहार काल में रुचि हो रही है, खाने की रुचि हो रही है, अरे ये नहीं खाना वो नहीं खाना, जो दोगे वो खा लेगा, ये समग्नि की परीक्षा है। रुचि ही आहार काले है, और अव्यवतस्य च आहारस्य काले सम्यक जरणम्। सुबह खाया, दोपहर तक अच्छे से जीर्ण हो गया, दोपहर को खाया, शाम तक अच्छे से भूख लग गई, ये समाग्नि के लक्षण है। निंद्रा लाभो यथा कालम, निंद्रा भी सुखम च दुखम, ज्ञानम च अज्ञानम, पुष्टि च काशयम, बल च अबलम, वृष्टा च क्लिप्ताम, काल रात्रि पलो वापरा। पता है ना, तो निंद्रा लाभो यथा कालम, समय से निंद्रा आ रही है, और वेकारिणाम च सपनम अदर्शनम, संधि है यहाँ पे, म हलंत है, अ अलग निकलता है, ऐसे संधि करना है। तो वाक्य रचना में अच्छे से समझ में, वेकारिणाम च सपनानाम अदर्शनम, वेकारिक सपने नहीं आ रहे, किसी ने खून कर दिया रात को, कोई पानी में डूब रहा है, अच्छे सपने आते हैं, और निंद्रा सुख की प्राप्ति होती है। वेकारिणाम च सपनानाम अदर्शनम सुखे न च प्रतिबोधनम, और सुबह उठते समय ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी सोना है, और एकदम फ्रेशली ये सम मन की अवस्था है। देखिए सम अग्नि, सम धातु शरीर उपचय बल वृद्धि स्वर वर्ण योग, ये सम धातु के लक्षण है। अव्यवर अभिलाषा रुचि रहा काले, अव्यवतश्च आहार काले सम्यक जरणम, सम्यक सम मल, सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रियाणाम। देखा ना, सम मल वात मूत्र पुरी रेत सा मुक्ति ही, और फिर उसके बाद प्रसन्न आत्म इंद्रियाम के लिए यहां पे क्या बताए, सर्वाकारे सर्वाकारे रीति, ठीक है, हम क्या लिखा है, सर्व शुभ लक्षण है, कहां पे, मन में बुद्धि में और इंद्रियों में, च अव्याप्त रीति। जैसे जैसे ये लक्षण दिखते जाते हैं ऐसे ऐसे चिकित्सा हटाते जाओ। तो रुक उपशमन लिख सकते थे, पर नहीं, हमारा तंत्र का प्रयोजन ये नहीं है। कितना महत्वपूर्ण सूत्र है, कार्य धातु साम्यम इह उच्यते, धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्रस्य अस्य प्रयोजनम, ये हमारे तंत्र का प्रयोजन है, इसीलिए ये शास्त्र हम यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं। मूल श्लोक पे आएंगे, और इसकी एक टीका देख के फिर हम श्लोक नंबर 53। धातु साम्यम धातु साम्यम आरोग्यम वक्षयति ही, धातु साम्य होगा तो आरोग्य इसका एक वो है, क्या बोलते हैं, एसेट है। एक विकारो विकार जब होते हैं, जब धातु वैषम्य होता है, और धातु मतलब यहां पे क्या है, शरीर के मूल सार, विष्णु शास्त्र नाम में भगवान विष्णु का एक पर्याय है, वो पर्याय क्यों है पता है, वो पर्याय ऐसा है, सर्वो धातुर उत्तमम, सर्व धातुओं में जो उत्तम है
वो विष्णु है, ये इसका पर्याय है। इसलिए धातु ये शब्द को अपने जीवन में बिठा लो, जैसे दोष बिठाया है ऐसे ही धातु बिठा लो, क्योंकि जब विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति ही उच्यते और सुख संज्ञकम आरोग्यम, जब दोष साम्य अवस्था में है तब वो दोष नहीं है, ये अंडरलाइन कर लो, तब वो धातु है। जब वो प्रकोप होते हैं तभी वो दोष है। जब तक उन्होंने शरीर को धारण कर रखा है तब तक धारयति इति धातु, वो धातु है, वो वही विष्णु है, सर्व धातु उत्तम और वही प्रकृति रुच्यते और वही सुख संज्ञकम, वही आरोग्य है, अरोग है। यस्मात् इसीलिए धातु साम्य क्रिये एव यस्माद् आयुर्वेद प्रयोजनम्, तस्मात् इसीलिए आयुर्वेद धातु साम्यमेव कार्यमुच्यते प्रयोजनम् कथ्यते। ये प्रधान कर्तव्य सभी वेद। निर्गुण अवस्था तक तम रज को दूर करने की जो संकल्पना बताई है वो धातु साम्य की आत्रे की उच्चतम संकल्पना है। अभी इसके ऊपर व्याख्यान करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, पर इतना जो है ये समझना हमें बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि हमारा तंत्र का प्रयोजन ये है। ठीक है, किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकता है। सर मुझे आप 52 श्लोक दोबारा समझा दीजिए। क्या सर? जो 52 श्लोक है ना संयोगे वाला, हाँ वो आप मुझे दोबारा समझा दीजिए। ठीक है। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम्, प्रत्येक द्रव्य है उसके अंदर जो संयोग हो रहा है, मतलब उसके परमाणु एकत्रित होना फिर अलग हो जाना, फिर एकत्रित होना फिर अलग होके नया उद्भव होना, उपचय होना या क्षीण होना, ये जो दोनों प्रकार की जो प्रक्रिया है ये प्रत्येक क्षण में, बहुत सूक्ष्मतर क्षण में ये प्रत्येक परमाणु के अंदर ये प्रक्रिया चल रही है। ये प्रक्रिया को जो कर रहा है ये द्रव्य के आश्रित एक कर्म है, और वो जो कर्म कर रहा है वो रज संज्ञक वायु है, जिसका मैंने आपको संकल्पना बताई, और किसी की ये द्रव्य अपेक्षा नहीं रखता है, ऐसा कर्तव्य से क्रिया। आया समझ में? हाँ जी सर। ठीक, और किसी को कुछ प्रश्न है? सर अभी आपने बोला रज संज्ञक वायु है, ठीक है, तो रज ही क्यों बोला? क्योंकि जब सृष्टि उत्पत्ति का निर्माण होता है सांख्य के अनुसार, मीमांसा के अनुसार अव्यक्त महान और अहंकार से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति होती है, और उसमें सत्व रज और तम ये तीन गुणों को बताया गया है। दोनों गुण है, जो तम है सत्व है, उनके अंदर गति नहीं है, ये गुणों के अंदर
जो रज है उसके अंदर ही कर्म करने की गति है, इसलिए इसकी अपेक्षा बताई गई है। आया समझ में? गतिशीलता है रज। इसीलिए वायु को वहां लिया उन्होंने, इसलिए मैंने सुश्रुत का रेफरेंस बताया कि वायु के अंदर रज बहुल है क्योंकि वो गतिशील है रज। और अभी जो ये वायु है जो पंच महाभूत शब्द स्पर्श रूप रस गंध और उससे फिर उसके बाद पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है, और ये जो मैं वायु बता रहा हूँ स्वयंभू, ये अभी उससे भी परे है, उसकी व्याख्या मैं वात कला के लिए मैं करूंगा, वो अचिंत्य है, वो ये वायु नहीं है, पंच महाभौतिक वायु नहीं है, अभी ये समझ लेना। हाँ, उसके अंदर रज एक गुण है, बस एक बहुलता है एक वो वायु के अंदर, बाकी वो वायु कुछ और ही है, वो वायुर्वेद बताते हैं। और सर आप बताए थे लास्ट टाइम कि मतलब जब सृष्टि उत्पत्ति हो रही थी, आपने एक पौराणिक कथा बताई थी कि भगवान विष्णु ने जब 24 तत्वों का निर्माण किया तो ये प्रकृति में अलग 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 घूमते रहे क्योंकि वो अलग अलग थे, फिर उनको जोड़ा गया, फिर आत्मा का संयोग वगैरह किया गया, देन पुरुष का निर्माण हुआ। ठीक है, तो पंच महाभूत भी तभी बने, तो क्या उससे पहले पंच महाभूत थे ही नहीं, या फिर वायु भी नहीं होगा फिर तो, क्योंकि वो उसी में आता है। जी जी हाँ, इसमें ये है, तो वो वाला कौन सा वायु है? वो ये वायु है जो भावाना मणु है। चरक सूत्र स्थान अध्याय 11 श्लोक नंबर 8 निकाल जी, 12 सॉरी, ये अध्याय 12 श्लोक नंबर 8 96 चौथी नीचे। ये सूत्र जिनने समझ लिया, इसकी नीचे की जो चार लाइन है इसको अंडरलाइन करो यहां से, सर्वतंत्राणाम विधाता, ये यहां से इधर यहाँ थी सर्वतंत्र, बस देखिए सर्वतंत्राणाम विधाता भावानाम अणु, आपका जवाब मिल जाएगा अभी पहले ही सूत्र में, भावानाम अणु विभु विष्णु क्रांता लोकानाम वायुरेव भगवान इति। आया समझ में? अभी एक्सप्लेन करूं? एक्सप्लेन करिए। तंत्र मतलब जो सृष्टि के अंदर एक सिस्टम चल रहा है, सिस्टम को तंत्र कहा जाता है। जैसे पंखा चल रहा है, स्विच में उसका करंट लगा हुआ है, उसको आप चालू करते हैं, उसके अंदर करंट जाता है, फिर वो घूमता है और उसकी प्रक्रिया कोई और से चल रही है और वो वहां ऊपर घूम रहा है, ये एक तंत्र है। उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के यंत्र होते हैं, जो यंत्रों का समूह होता है उसको तंत्र कहा जाता है। मतलब वो यंत्र है, अलग 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 5-10 यंत्र मिलके एक तंत्र बनाते हैं। वो जो तंत्र है उनको धारण करने वाला ऊपर वाले वायु तंत्र यंत्र धर, वायु तंत्र यंत्र धर, इन सब को धारण करने वाला है। जो छोटी छोटी सिस्टम चल रही है उसके अंदर छोटे छोटे जो यंत्र चल रहे हैं उनको भी वायु जा धारण कर रहा है। बड़ी सिस्टम क्रिएट हो रही है उसके अंदर जो यंत्रों का कार्य चल रहा है उसको भी वायु धारण कर रहा है, और सृष्टि निर्माण हो रही है तब से लेके अभी तक सभी तंत्रों को धारण करने वाला वायु है। इसीलिए सर्व तंत्राणाम विधाता, विधाता किसको बोलते हैं? जो उसको भी क्रिएट करने वाला है,
वो सभी तंत्र को जो बनाने वाला है उसका विधाता ये वायु। भावानाम अणु, उन भावों के जो अणु है वो भी वायु है, विभु है, इसलिए वो अचिंत्य है। इसलिए रज संज्ञक वायु जो था वो परमाणु के लिए वहां पे उन्होंने वर्णन किया, और ये जो तंत्र नाम का निर्माण हुआ तब ये सब अलग अलग थे, और इनको एकत्रित किसने किया, ये अचिंत्य वायु ने। आया समझ में? उसी को विष्णु कहते हैं हम। आया समझ में? किसको विष्णु कहते हैं? इन्हीं को विष्णु कहते हैं, अचिंत्य वायु को। हाँ, अचिंत्य वायु है। हाँ, अचिंत्य वायु को ही विष्णु, वही परमात्मा है। सर कंफ्यूजन है मेरे को थोड़ा सा, कि मतलब जैसे प्रथम पुरुष जो उत्पन्न हुए वो विष्णु थे, ठीक है? हाँ, हाँ। तो क्या भगवान की उत्पत्ति से पहले भी वायु था या फिर उनके बाद वायु हुआ? जरूर जरूर था, क्योंकि जो निर्गुण निराकार वायु, हाँ निर्गुण निराकार है, जो निर्गुण निराकार तत्व है, जो ज्योतिमय परमात्मा है, जिनका कोई स्वरूप नहीं है, उसमें सृष्टि में जो चक्रेश्वरी में जो स्पंदन हुआ उसी से ही ब्रह्मा विष्णु और महेश तीन कृत्य तैयार हुए हैं उस ज्योति में से। और उसकी एक स्टोरी है कि वो लिंग को ढूंढने के लिए ब्रह्मा ऊपर जाते हैं, विष्णु नीचे जाते हैं, वो अचिंत्य वीर्य है ये, जिनका अंत नहीं प्राप्त कर पाते। आया समझ में? थोड़ा थोड़ा आया है, बाकी पूछ लूंगी मैं बाद में, ठीक है? अभी लंबा हो जाएगा ना। ठीक है, रखूं? अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ना फिर क्लोज करते हैं। हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर। जी जी, सभी को पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत सभी लोग इसी प्रकार से आयुर्वेद का कार्य करते रहें, ऐसी भगवान आत्रेय पुनर्वसु से मेरी प्रार्थना है, अश्विनी कुमार से मेरी यही प्रार्थना है। आपको भी सर, धन्यवाद सर। जी जी, प्रणाम सर। प्रणाम सर।